राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने 31 मई बुधवार को बिहार के फुलवारी शरीफ में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन यानी PFI के संदिग्ध मॉड्यूल के खिलाफ अपनी जांच के तहत देश भर में करीब 25 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बिहार, केरल और कर्नाटक में PFI की जमीनी कार्यकर्ताओं के यहां छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही PFI से जुड़े केस में NIA की कर्नाटक में लगभग 16 जगहों पर छापेमारी जारी है, जिसमें दक्षिण कन्नड़ के भी कुछ जिले शामिल हैं। एक तरफ बिहार के कटिहार में हसनगंज थाना क्षेत्र के यूसुफ टोला में PFI नेता मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार के यहां NIA की टीम पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में NIA की टीम ऐसे कई मामलों में छापेमारी पहले भी कर चुकी है। बावजूद इसके इस केस को लेकर 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था और बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान इनके पास PFI से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और दस्तावेज जब्त किए गए। लेकिन सवाल कई है, सबसे पहले यही कि आखिर क्या है ये फुलवारी शरीफ टेरर मामला, जिसके चलते NIA ने केरल और बिहार में 25 जगहों पर छापेमारी की। दरअसल ऐसा संदेह था कि PFI के सदस्य पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये मामला शुरू में 12 जुलाई 2022 को बिहार के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में मामले की जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली।